में योगी युवा यूथ ब्रिगेड के नेतृत्व में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में युवा शक्ति गायत्री इंटर कॉलेज सैनिक नगर अवधपुरी में निशुल्क आंखों का परीक्षण एवं निशुल्क दवाइयां चश्मा वितरण कैंप का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन योगी यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ के नेतृत्व में किया गया। लोगों की निःशुल्क आंखों की जाँच कराई गयी, साथ ही उन्हें निःशुल्क चश्मा वितरण और दवाइयाँ, जो लोग कान से नहीं सुन सकते उन्हें कान की मशीन वितरित की गयी। इस कैंप में 50 लोगों की आंखों की जाँच कराई, जिसमें डॉक्टर द्वारा आँख की जाँच कराई गयी, साथ ही चश्मा दवाइयाँ भी दी गयी जिससे वह स्वस्थ रह सके। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। पर्चे के साथ किस तरह से कैंप लगाया गया है? मैं करण सिंह धाकड़, महानगर अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ आगरा। आज अलवतिया सैनिक नगर अवधपुरी क्षेत्र में योगी यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ एवं यश फाउंडेशन के संयोजक डॉक्टर आर के सिंह और शिक्षा विभाग से मैं करण सिंह धाकड़, इन सभी के सहयोग से आज इस क्षेत्र में आंखों का एक निशुल्क कैंप लगाया जा रहा है, जिसके अंदर यहां क्षेत्रीय नागरिकों की आंखों का निशुल्क रूप से चेकिंग की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी और उनके साथ उनके जो चश्मा है उनका नंबर दिया जाएगा, चश्मे को भी निशुल्क रूप से बनाकर उनको दिया जाएगा। ऐसे मरीज जिनकी आंखों में ऑपरेशन की जरूरत होगी उनको चिन्हित कर उनके ऑपरेशन की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। साथ में जो लोग कम सुनते हैं, जिनको सुनाई कम देता, उनको कान की मशीन भी निःशुल्क देने का प्रावधान है। यह समाज सेवा योगी यूथ ब्रिगेड और जस फाउंडेशन की तरफ से COVID-19 की वैक्सीनेशन, खाना वितरण और पिछले कई माह से लगातार की जा रही सेवाओं के क्रम में है। की तरफ से डॉक्टर आर के सिंह जी और धाकड़ जी और शिक्षा विभाग से हमारे करण सिंह जी, यहाँ ये कैंप का आयोजन यहाँ पर किया है, जिसमें कि क्षेत्र से नेत्र परीक्षण यहाँ पर जो भी चिन्हित मरीज हैं उनका किया जाएगा और यहाँ पर कानों के की मशीन का भी आज वितरण किया जाएगा, उसकी भी जांच की जाएगी। सर लगभग कितने लोगों की आंखों की? यहाँ पर लगभग करीब 50 लाभार्थी आज यहाँ पर लाभान्वित हो पाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सर निःशुल्क चल रहा है क्या? ये बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और ये जनमानस के लिए बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने, यश फाउंडेशन ने कोविड वैक्सीनेशन में भी काफ़ी मदद की है। जब कोविड की महामारी आई थी तब भी इस फाउंडेशन ने काफ़ी कोविड वैक्सीनेशन में मदद की थी, लोगों को भोजन की व्यवस्था भी इन्होंने कराई और वैक्सीनेशन में भी काफ़ी मदद की। और आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नेत्र का परीक्षण किया जाएगा और उनको निःशुल्क चश्मे भी बांटे जाएंगे, ये बहुत अच्छा। कितने लोगों का जांच हो रही है? मैं योगी यूथ ब्रिगेड युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ आगरा। देखिए, आज हमारे सैनिक नगर क्षेत्र में एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क आँखों का चेकअप किया जा रहा है और निःशुल्क ही इनको चश्मा वितरण किए जाएंगे और जिनको सुनाई कम देता है उनके लिए मशीन भी कान से सुनने वाली निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और यहाँ 50 व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं जो बिल्कुल गरीब परिवार से हैं। ये बिल्कुल डायरेक्ट सीधे, कुछ गरीब होते हैं देखो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, पैसे की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं और परेशानियाँ झेलते हैं। ऐसे बुजुर्गों का हमने ध्यान रखा है, आप देख सकते हैं हमारी माताजी कैसे किस प्रकार चल के आई हैं। तो ऐसे को हमने निःशुल्क बिल्कुल सीधे सुविधा देने का ये काम किया और यश फाउंडेशन का हमारा बहुत बहुत सहयोग है। यश फाउंडेशन के द्वारा हमने पहले भी वैक्सीन कैंप लगवाए हैं। यश फाउंडेशन और योगी यूथ ब्रिगेड मिलके काम कर रहे हैं और हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के महानगर अध्यक्ष करण सिंह धाकड़ जी का बहुत सहयोग रहता है। आगरा के बालूगंज से